इसका ऑपरेशनल जो ये है फीचर्स हैं बहुत इजी हैं। जैसे ये इसका लीवर है, इसका हैंडल जो है आप इंस्टेंटली अप एंड डाउन हो जाता है। ये है 7 हॉर्स पावर का पावर टिलर है, रिको इटली कंपनी का है। इसकी 32 ब्लेड्स होती हैं। इसका प्राइस रेंज रहता है 30-40 के बीच, अलग अलग मॉडल्स हैं कंपनी के। इसी कंपनी का एक ये मॉडल है, ये अराउंड 42,000 के आसपास रहता है। और ये होंडा का है, होंडा बहुत जानी मानी पुरानी कंपनी है, होंडा का अराउंड 55,000। और ये बेस्ट सेलर है हमारा स्टील कंपनी का, MH710 मॉडल है ये। और ये जर्मन कंपनी है, जिन लोगों की बड़ी ज़मीन है, प्लेन बड़े बड़े खेत हैं, उनके लिए सूटेबल है ये। और ये मक्की की मशीनें हैं, ये 1 घंटे में 4 से 5 क्विंटल मक्की का दाना निकाल देती है। 4 से 5 क्विंटल मक्की का दाना निकाल देंगी जी। और ये सिंगल फेस पे चलती है, कोई बड़ा मीटर नहीं चाहिए, घर के नॉर्मल मीटर पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ से मक्की डालेंगे हम, है ना? और बीज वगैरह कहाँ से निकलेंगे? और यहाँ से निकलेगी जी, मक्की का दाना उस तरफ से निकलता है। पहले वो हाथ से करते रहते थे ना, समय बहुत लगता था। ये टाइम मशीन, देखो जहाँ मशीन आ गई ना, मशीन का सबसे बड़ा काम होता है वो टाइम सेव करती है। तो मैं सैनी एग्रो टेक पद्धर में खड़ा हूँ, ये इनकी शॉप है कटीपरी मोड़ पद्धर में। आज ही मेरे को बता रहे थे सुबह इन्होंने 10 की 11 पीस है ना, 11 पीस इन्होंने बेच दिए इस चीज़ के। तो आप समझ सकते हैं कितनी डिमांड में ये पावर टिलर्स हैं। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी जानेंगे, इनके रेट क्या होते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट क्या देती है इनके ऊपर, क्या इनका इस्तेमाल होता है, कितने प्रकार के ये पावर टिलर्स इनके पास उपलब्ध हैं। अलग अलग पावर टिलर होते हैं ना, इनका मतलब फ्यूल टैंक और वो सब भी अलग अलग रहता है जी? सबका अलग रहता है। इसकी जो माइलेज होती है अराउंड 1 लीटर से 1 घंटे में 1 बीघा कल्टीवेशन कर देता है ये। और हमारे पास जो रेंज है वो लोग, बहुत से पहाड़ों के लोग बोलते हैं कि उनको लाइट वेट चाहिए, तो लाइट वेट में हमारे पास 45 kg से शुरू है। 45 kg से इट गोज़ अप टू 1.5 क्विंटल तक। और फिर जैसे जैसे वेट बढ़ेगा रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और मेनली जो माइलेज सबकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, इसमें माइलेज यही रहती है कि 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल से 1 बीघा कल्टीवेशन हो जाता है। नितिन जी ये बताइए कि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर खरीदते हैं, तो उसकी सर्विसिंग या कुछ खराबी हो जाए तो उसके लिए डेजिग्नेटेड सेंटर्स बने होते हैं, सर्विस सेंटर जी। अगर आप इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बंदा क्या करेगा? इस उस केस में अगर कोई लोकल बंदा है वो तो टीलर ले आता है, यहीं पर रिपेयर हो जाते हैं। अदरवाइज कोई जैसे कि इंटीरियर में कोई इशू आ गया है तो उन लोगों को हम जो है फिर हमारे फोरमैन है वो स्कूटी पे 2 व्हीलर्स पे जाके रिपेयर करके आते हैं ऑन साइट जी। ऑन साइट रिपेयर हो जाता है, ऑन साइट भी है ऑफ साइट भी है। तो नितिन भाई अभी हमको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि पावर टिलर ये स्टील्थ कंपनी का है जो जर्मन कंपनी है। तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, क्या क्या इसके? इसका ऑपरेशनल जो ये है फीचर्स हैं बहुत ईजी हैं। जैसे ये इसका लीवर है, इसका हैंडल जो है आप इंस्टेंटली अप एंड डाउन हो जाता है। अच्छा। मतलब आदमी अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे इसका ये क्लच आ गया, क्लच दबा के चलता है। और ये इसका बैक गियर है, बैक गियर भी होता है इसमें, 2 गियर्स होते हैं। ये इसका गियर लीवर है, सेकंड गियर आगे को, फर्स्ट पीछे को, और न्यूट्रल पे आप इसको दबाएंगे तो बैक हो जाएगा। अच्छा। और इसमें लाइट लगी है, यहाँ से लाइट का स्विच है इसका ऑन ऑफ, और पावर ऑन ऑफ है यहाँ पे। ये इसकी यहाँ पे LED लाइट लगी हुई है इसको। ये इसकी रिकॉइल ये होती है, किक यहाँ से स्टार्ट होता है ये। और ये फ्यूल वाला टैंक, फ्यूल टैंक इसका अराउंड 3.5 लीटर्स का होता है। बाकी ये 2 बॉक्सेस मेरे को और दिख रहे हैं जी। ये साइलेंसर है, ये एयर क्लीनर है जी। बाकी इसमें भी कुछ ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह की जरूरत होती है? इंजन ऑयल डलता है इसमें, गियर ऑयल डलता है, और बाद में आप पेट्रोल डालेंगे। और इसके जो जैसे अभी तो व्हील लगा है ना इसमें, इसके क्या क्या वो एडिशनल? इसके जो रोटोवेटर्स लगेंगे, जो वहाँ पे व्हील है व्हील को हम खोल देंगे, उसकी जगह रोटोवेटर्स लगते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, रोटोवेटर्स होते हैं, हम टायर निकालेंगे इसको लगाएंगे, एक लेफ्ट का होता है एक राइट का होता है। फिर ये आगे की तरफ जब चलेगा तो ये ब्लेड जो है ये कटिंग करती हुई चलती हैं, तो ये दोनों लगते हैं, एक उस तरफ भी है, एक लेफ्ट में लगेगा एक राइट में लगेगा। और ये धान के लिए अलग होता है? धान के लिए पैडी व्हील अलग से होता है, वो थोड़ा अलग दिखता है अभी सीज़न। गेहूं और बाकी के लिए यही वाला? गेहूं के लिए, मक्की के लिए यही चलेगा, धान के लिए पैडी व्हील होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा सा होता है। ये अराउंड 62,000 रुपीज़। और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज भी हैं जी, 50% सब्सिडी, अप टू 50% है, अलग अलग डिपार्टमेंट से रहती है सब्सिडी। हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है,
सबसे अलग अलग अपनी अपनी परसेंटेज है इन लोगों की। 50% भी अगर मान लें तो देखिए 62 का मतलब लगभग 30,000 के आसपास आपको ये पड़ जाए। तो मन बना रहे हैं अगर आप पावर टिलर लेने का तो सैनी एग्रो टेक पद्धर में, सैनी भाई के नाम से जानते हैं इनको पद्धर में, और इनका नंबर मैं बता दूँ 7876839491। पूरी वीडियो के दौरान भी हमने नीचे डिस्प्ले करके रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, कमेंट में भी दे देंगे। कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और ख़रीदना है तो सीधा आइए पद्धर में, और यहाँ पे कटिपरी मोड़ पे आपको इनकी ये शॉप मिल जाएगी। और बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने हमको आज, बड़ी एक नया मेरे को नई चीज़ सीखने मिली यहाँ पे, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बदल रही है तो वो समझने मिला। मैं सोचता था एक ही प्रकार का पावर टिलर होता है, पर यहाँ पता चला कि कितने टाइप के हैं। तो नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।